मुझे माफ कर दीजिएगा हारिस, मैं आपसे नहीं खावर से प्यार करती हूँ। उसका साथ ना देने की बात करके तो आ गई थी, लेकिन तब से खाली दिल लिए बैठी हूँ। अब मैं मजीद ऐसे नहीं रह सकती। जिंदगी ने मुझे इंतखाब करने का मौका दिया है और मैं मोहब्बत और घर में मोहब्बत को चुन रही हूँ। आपका घर, ये रिश्ता और इस बच्चे को छोड़ के जा रही हूँ। अम्मी अब्बू नहीं मान रहे रायमा, उन्होंने ताया की बेटी से मेरी शादी फिक्स कर दी है। तुम प्लीज वापस चली जाओ, हो सके तो मुझे माफ कर देना। रायमा। हाँ। आप आ गए? आप फ्रेश हो जाएं, मैं खाना गरम कर देती हूँ। ठीक है। फहद कहाँ है? विकी के पास होगा। ओके, मैं चेंज कर लेता हूँ जब तक। जी जी सर, मेरे पास ही है, मैं आपको उसकी पिक्चर्स भेज देता हूँ, आप चेक कर लें। ओके। क्या कर रही हो? जा रही हूं। मैं इस घर में आपके साथ रहने के काबिल नहीं हूं। आप क्यों? ऐसा क्या हुआ है? सब कुछ तो जानते हैं आप। क्या जानता हूं मैं, तुम बताओ। खत पढ़ तो लिया है आपने? हाँ,
पढ़ लिया, लेकिन आज नहीं। वो खत मैं बरसों पहले पढ़ चुका था, उस वक्त जब तुम मेरे लिए लिख कर गई थी। रायमा, रायमा, अरे आप यहाँ क्या कर रहे अकेले? हाँ मामा, क्या है मामा? रायमा, रायमा कहाँ चली गई? हाँ था तो मेरे साथ क्यों रहते रहे? मुझे कुछ कहा क्यों नहीं? मुझे ऐसी औरत को तो उसी वक्त तलाक दे देनी चाहिए जिसमें ना हया थी, ना वफा और ना ही शर्म। मैं तो आपको कभी चाहती ही नहीं थी, धोखा दिया था आपको, बल्कि शादी बहुत बड़ा धोखा थी। शादी सिर्फ इसलिए की थी मैंने क्योंकि मेरी मां ने मुझे कसम दी थी मुझे तलाक दे देनी चाहिए थी। मैं तो ना एक अच्छी बीवी और ना ही एक अच्छी मां। मैं तो अपने दूध पीते बच्चे तक को छोड़ के जाने वाली थी। जानता हूं, अगर जानते थे सब तो छोड़ा क्यों नहीं? क्यों मुझसे मोहब्बत करते रहे? नफरत क्यों नहीं की मुझसे? उस वक्त हुई थी नफरत, जी कर रहा था कि उस खावर के सामने ना मैं तुम्हें तलाक देता हूं, निकाल दो तुम्हें इस घर से। लेकिन फिर फाहद की शक्ल मेरे सामने आ गई। उस बच्चे का क्या कसूर है? वो तो मासूम है। तुम उससे मां छीनती और मैं उससे बाप छीन लेता। तो आपने मुझे सिर्फ फाहद की वजह से बर्दाश्त किया? शुरू शुरू में ऐसा ही था, प्राइमा। आज तुमने एक एतराफ किया है ना, तो एक एतराफ मेरा भी सुनो। जब तुम घर वापस आ गई थी ना, तो मैंने इस घर का दरवाजा तो तुम्हारे लिए खोल दिया था, लेकिन दिल का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया था। नफरत करने लगा था मैं तुमसे। अगर अफसोस कि मैं ठीक तरह नफरत भी नहीं कर सका। ये तुम्हारी हर वक्त की नदामत, तुम्हारा इस तरह चुप चुप के रातों में रोना, सब देखता था मैं। रायमा, तुम्हारे नदामत के आंसुओं ने मेरे दिल में नफरत की आग को भड़कने ही नहीं दिया।
क्योंकि मुझे लगने लगा था कि तुम बदल चुकी हो। राइमा, तुम्हारे अंदर का कोट धीरे धीरे खड़ा होने लगा था और मैं तो तुमसे पहले भी मोहब्बत ही करता था। नफरत तो मेरी वक्त ही थी। मैं भी तो इंसान हूं ना, मर्द हूं, पर शाइमा तुमने ना मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई है। मैं टूट सा चुका था। अब वाकई बहुत अच्छे हैं, बड़ा दिल और बहुत जर्फ है आपका, मगर मैं आपसे नजरें भी नहीं मिला सकती। तुम प्रहलो की मेरे और फात के बगैर नहीं रह सकती, मगर मेरी अब यही सजा है कि मैं आपके और फात के बगैर रहूं। सजा और जजा का फैसला करने वाले हम कौन होते हैं? सच्चे दिल से अतराफ़ गुनाह के लिए माफी मांगी जाए, अल्लाह भी माफ कर देता है। मैं तो सिर्फ उसका एक बंदा हूं। तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम इस घर में ही रहोगी। मुझे, फहद को और विकी को तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारे बगैर ये घर घर नहीं है और मैं तो तुमसे हमेशा से ही मोहब्बत करता हूं। तुम बताओ, तुम कोर तो अब मुझ पे भी नहीं है, मैं नहीं रह सकती आपके बगैर। तो फिर अपने लिए देवरानी ढूंढना शुरू कर दो, वैसे ही जैसे विकी को चाहिए। पता है ना उसकी रिक्वायरमेंट?